हेलो फ्रेंड्स, तब सबला नेपाली ब्लगर यूट्यूब चैनल में फिर भी स्वागत करना चाहूँ। आज के यो भिडियो में तब मैं सेकेंड पार्ट लिएर आएको छु वेब डेवलपमेंट और हमें न्यूज साइट कसरी बनाने सकता तो में हमें अर्निंग कसरी कर सकता यह रिनेटेड कुरा को हम सेकेंड पार्ट मैं फर्स्ट पार्ट तब हेन भाई तेल मिस नगर तो पार्ट एकदम इंपोर्टेंट है। यह भाई तो पार्ट सब भाई इंपोर्टेंट पार्ट सो तो पार्ट हे मैं लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया माथि आई बटन में तभी देखना सकूँ एकदम इजीली तब गए हेन पैला तेल हे सके तब इसमें के होता भाई हमें पहले पार्ट में हमें सीख वेबसाइट में डोमेन फ्री में कहाँ लिने हमें फ्री को होस्टिंग में लिया डोमेन कसरी कनेक्ट करने डीएनएस सर्वर के बारे में कसरी काम करूँ सभी कुछ सिक्यूं रब आज को यह दोसों पार्ट है तेज में हम सीख कि हमें जो थीम होता मैं तब थीम देखा थे अगिलो भिडियो में तो थीम से तब मैं लिंक इसमें दिखु डाउनलोड करना एकदम इजी तरीका है कहाँ डाउनलोड करने कसरी यूज करने थीमला हमें कसरी हम थीमला चेंज करें एट न्यूज को राम परफेक्ट एट टेम्प्लेट हम बना सकता तो तब भिडियो में सीख्ह और सेकेंड पार्ट तब मिस नगरिकन हेन रि यह सेकेंड पार्ट हेन भाग तब बुझ्भन अगड़ी को पार्ट बने तुम्हें भी समस्या होता तेस में तब फर्स्ट पार्ट अवश्य हेन रहा नया प्रोजेक्ट भी आँद तब दिन में सब हर एक दिन में गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड तब मेरे एप्लिकेशन लिख सकूँ दिन में एक दुईजना ने मात्र सबले होना दिन में कई एक दुईजना गए हर एक दिन मैं प्रोवाइड करूँ तो आँदा सो तो हेन चाहूँ चैनल सब्सक्राइब कर बेलाइकन में अवश्य क्लिक कर और कमेंट कर कस्तो लाग्छ भिडियो के चाहूँ तब न्यू प्रोजेक्ट हो कस्त चाहिए तब कमेंट कर सकूँ और एप्लिकेशन चाँड नहीं आँद सो कीप लविंग एंड कीप वाचिंग अगड़ी गए तब बाकी प्रोसेस अगड़ी देखाने ओके तब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में आई सकूँ अब तब मैं लगे देखा मेरे वेबसाइट में यो मैं अस्त तब बना लगा जो थे जो हमें अस्त जानी पुगे छोड़ हमें डोमिन र होस्टिंग हमें कनेक्ट गये ब्लगरसित अथवा ब्लगर को होस्टिंग में हमें डोमिन कनेक्ट गये डीएनएस .net को सहायता ने रेस में के भाजा अब हमें इस यदि ओपन करें यदि तब मैं ब्लग देखा अस्त हमें बनाए ब्लग तब को करीब करीब ये देखि अथवा मैं चाहे पोस्ट करूँ रो तब को पोस्ट न होता बाकी कुछ तब को करीब करीब सेम सेम देखि तर ये हम वेबसाइट में अलग यूनिक अलग यूजर लाएर हेरा फिर राम देखने हुए सो हमें इसलिए के बनाने पर्व भादा टेम्प्लेटला हमें अथवा थीमला भाँच हम जे भाँच ब्लगर को थीमला हमें चेंज कर पर्व यदि तब एडिट कर सकूँ यदि तेसंग तबसित रिनेटेड कुछ ज्ञान छूल कर सकूँ अथवा तब इंटरनेट बार धेरे थीम जो फ्री में एभालेबल होता तब यूज कर सकूँ यदि तब तो चाहूँ और मैं देखा थीम अथवा टेम्प्लेट तब चाहूँ मैं मेरे थीमला मैं एक्चुअली खोले देखा अस्त को थीम मैं तब देखाई सकते रो तब जो अगड़ी थीम देखते हुए यही थीम चाहिए मैं प्रोवाइड करते आज को यह थीम चाहिए मैं प्रोवाइड कर थीम तब डाउनलोड कर सकूँ और तब यदि पोस्ट कंटेन्ट बाहेक अरुण कुछ तब को राम्रोसँग बनी सकते में सब कुछ तब मैं फ्री में प्रोवाइड कर आज के भिडियो में तब डाउनलोड कहाँ कर सकूँ मैं फर्स्ट डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया तो लिंक में यदि तब जानू तब यह साइड में आने हाई तब जो अभी मेरे अगर स्क्रीन में देखते हुए यह वेबसाइट में आने हाँ यह वेबसाइट में यह थीम एभालेबल है फ्री में एकदम गूगल ड्राइव पर तब कुछ सर्ट लिंक कुछ कहीं यूज नगरिकन डाइरेक्ट डाउनलोड कर सकूँ सो सिंपल तब आई सके अलग तब यदि स्क्रोल डाउन करूँ भी यहाँ से आर्टिकल में इसको बारे में कई कुछ लेखी है यहाँ दुईवटा अप्सन है एउटा भ्यू लाइव डेमो यदि तब साइड कस्तो देखि हेन चाहूँ नहीं भ्यू लाइव डेमो में क्लिक करूँ रो साइड कस्तो देखि तब थीम यूज कर सके सब कुछ तब को क्लीन देखि यो जो तब यहाँ अलरेडी रहा तब यदि चाहूँ अब तब आवश्यकता छाइन तब डाइरेक्ट थीम तब चित्त बुझे और तब आपको वेबसाइट में हालना चाहूँ भाई न्यूज को लिए तब मैं सिकाए अनुसार करूँ ये जी राो थीम और छाइन सो ये यूज कर सकूँ डिस्क्रिप्सन में लिंक है डाइरेक्ट वेबसाइट में जानी डाउनलोड करने एकदम फ्री से कुछ तब कस्ट तीर्न पड़ेन रहाँ आई सके भ्यू लाइव डेमो को तलपटी अर्क डाउनलोड को बटन है तब सिंपल देखना सकूँ डाउनलोड में क्लिक कर इसमें क्लिक करे तब ड्राइव में जानून ड्राइव को एटा फाइल में तब थीम को फाइल से मैं लिंक नहीं देखु डाइरेक्ट इस आए पीछे तब साइड में डाउनलोड को बटन देख्ह अथवा तब फुल कपी कर यूज कर सकूँ यदि तब तो चाहूँ सीम्पल इस डाउनलोड कर सजिलों को इसलिए डाउनलोड करना तब यदि जानून तब को थीम डाउन मेरे में थीम डाउनलोड होना थाली सके यहाँ तलपटी तब देख्ह डाउनलोड एक्सएमएल फाइल डाइरेक्ट कुछ फोल्डर छाइन कुछ कहीं करूर्न एक्सट्रैक्ट करूर्न मोबाइल पर मिलोस् भन्न को लिए मैं ये डाइरेक्ट राखदे सो सिंपल तब एक्सट्रैक्ट कर पेन अब ते पच्चीस हमी म ब्लगर में गई ब्लगर में जो तब अस्त बनाने थी मैं भिडियो हेरा जहाँसम तब बना तो तब को रेडी ते पच्ची तब इसमें के कर सकूँ भादा फिर इसमें तब यहाँ अब थीम भन्ने सेक्शन होता थीम सेक्शन में जान सकूँ लेफ्ट साइड में यहाँ थीम सेक्शन थीम में गए पीछे यहाँ साइड में तब बैकअप एंड रिस्टोर को अप्सन देख्ह रहा तब को पैला को अरुण कुछ देखा बैकअप एंड रिस्टोर में तब क्लिक करूँ
र यसमा क्लिक गरी हेरेर डाउनलोड थिम छ, यदि तपाईँको थिम चाहिँ अलिकति तपाईँलाई पछि चाहिन सक्छ यो जस्तो लाग्छ भने डाउनलोड गर्नु, ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि ब्लगरकै टेम्प्लेटमा तपाईँ अलरेडी हुनुहुन्छ भने यसलाई सबै छोडिदिनु र यहाँनिर चुज फाइल भन्ने अप्सन छ एउटा, चुज फाइलमा क्लिक गर्नु। र चुज फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेरेर जुन अघि हामीले डाउनलोड गरेको एक्सएमएल फाइल छ जुन चाहिँ थिमको, त्यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नु र यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु। सिम्पल यसलाई ओपन गरेपछि यहाँनिर अपलोडको बटन एभाइलेबल हुन्छ र अपलोडको बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नु। सिम्पल यसलाई अपलोडको अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ थिम चेन्ज हुन्छ। तपाईँले हेरेर अगाडि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ थिम चेन्ज भइरहेछ र जुन अघिसम्म यो थिम थियो अब मैले यदि रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ मेरो चाहिँ यो थिम चाहिँ चेन्ज हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब एडभर्टिजमेन्टहरू नेटवर्कहरू हामी कहाँ युज गर्छौँ, यदि तपाईँ फेसबुकमा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको फेसबुकमा सेयर गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसबुक लिङ्क ब्लक नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट भिडियोलाई वेट गर्नुपर्छ। त्यसमा एड नेटवर्क कुन युज गर्दा ब्लक हुँदैन, कुन नेपालमा बसेर हामीले युज गर्न सकिन्छ, कुनबाट कसरी अर्निङ हुन्छ, विथ र सिस्टम के छ, यो सबै समेटेको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा दिन्छु जे एड नेटवर्कसँग रिलेटेड हुन्छ र यसमा अझै मैले तपाईँलाई केही कुराहरू बुझाउन बाँकी छ यो भिडियोमा। सो सिम्पल हेरेर आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब हेरेर पोस्टहरूलाई तपाईँले क्रिएट गरेर सेयर गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यदि चाहिँ पहिला पैसा कमाउनै लागि भने चाहिँ तपाईँ वेट गर्नु, यसलाई अलिकति एडिट गर्नु। तपाईँले एडिट गर्नको लागि म तपाईँलाई थोरै नलेज दिन्छु यसमा। यसमा एडिट गर्न अरू केही गर्नुपर्ने, लेआउटको सेक्सन छ, लेआउटमा जान सक्नुहुन्छ र लेआउटमा गएपछि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू छ जुन तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो तपाईँको चाहिँ हामीले यो हेर चाहिँ तपाईँले हेरेर होम एड्स बिलो द फिचर्ड पोस्ट भनेको छ, योलाई यो स्क्रिप्टमा छ हामीले, हामी चाहिँ यसलाई यो स्क्रिप्टलाई चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले एड कोडलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ म पछि कुनै एड नेटवर्कहरू युज गर्ने म तपाईँलाई सब बताउनेछु र अहिले चाहिँ यो तपाईँलाई के देखेको छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँले धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ जुन तपाईँलाई यदि आवश्यकता लाग्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने तपाईँले यसलाई अहिले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि। र यदि चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँ म अर्को भिडियो बनाउँछु जुनमा चाहिँ म तपाईँलाई के कुराहरू कसरी कसरी हुन्छ सबै कुरा बताउँछु। र यसमा चाहिँ अब के छ भन्दा तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ थिम चेन्ज भइसकेको छ र यहाँनिर एड पनि सो भएको छ। यो एड चाहिँ अरू नै यो जुन थिम जेनेरेट गर्दाखेरि युज गरेको एड नेटवर्कहरू छ, योबाट चाहिँ त्यो उसको नै अर्निङ हुँदैन, तपाईँको नै हुँदैन, किनकि त्यो कोडहरू इम्पोर्ट भइसकेको हुँदैन, एड भएको हुँदैन। सो सिम्पल यसलाई तपाईँले अहिले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यतिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा कुरो हो त्यो चाहिँ। र त्यसपछि हामीले देख्नुहुन्छ धेरै उयोहरू छ यसमा चाहिँ, समाचार भन्ने छ, राजनीति भन्ने छ, खेलकुद, तपाईँको जुन जुन टपिक छ टपिक रिलेटेडमा तपाईँले यसलाई ट्याग युज गरेर चाहिँ यहाँनिर भिडियो छ, अरू सबै कुराहरू छ, सर्ट सेक्सन छ, सब धेरै कुराहरू छ। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम इजी छ, केही छैन यसको लागि। आजको यो भिडियो तपाईँले पुरा हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एड नेटवर्क युज गर्न सिकाउँछु र तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट कहाँबाट पाउनुहुन्छ त्यो पनि म कुराहरू बताउनेछु। तपाईँ यदि तपाईँ चाहिँ धेरै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, राम्रो तरिकाले अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यदि चाहिँ नेपाली एड नेटवर्क नै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पेड नै युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले अहिले नै बताइदिएँ। यदि पेड युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले बाई गर्ने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यदि तपाईँसित फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि त्यो कसरी बाई हुन्छ सबै प्रोसेस बुझ्न सक्नुहुन्छ, एकदम सस्तोमा कहाँबाट पाइन्छ सबै कुराहरू म तपाईँलाई बताउनेछु। र यदि तपाईँ त्यो होइन, तपाईँ चाहिँ अब फ्रीमै गर्छु, फ्रीमै अलिकति गाह्रो भयो भने म फ्रीमै गर्छु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्दै गर्नुहोस्। अर्को भिडियो आउँछ पार्ट थ्रीमा चाहिँ तपाईँलाई मैले बताउनेछु एड नेटवर्कको बारेमा र अर्निङ कसरी हुन्छ सबै सिस्टमहरू त्यसमा तपाईँलाई मैले बताउनेछु। आई होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो अवश्य पनि लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र टेलिग्राम इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ, इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्न अवश्य नबिर्सिनुहोस् र थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, ह्याभ अ गुड टाइम, जय।